विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के बीच वैसे ही बिग बॉस में हर दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हालांकि अंकिता के कैप्टन बनने के बाद से लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। कई बार जब अंकिता कोई ड्यूटी दे रही होती है तो विक्की उनकी बात नहीं मानते बल्कि उन्हें उल्टा जवाब ही दे देते हैं। अंकिता ये बात कई बार कह चुकी है कि विक्की उनसे जल रहे हैं क्योंकि वो कैप्टन बन गई है और विक्की नहीं बन पाए। अब हाल ही में लड़ाई के बाद विक्की बिग बॉस से एक रिक्वेस्ट भी करते नजर आए हैं कि अंकिता को बाहर कर दिया जाए। इसके पीछे क्या वजह है हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल लड़ाई के बाद अंकिता विक्की के पास जाती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं। विक्की हालांकि उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद मजाक में अंकिता विक्की को थप्पड़ मार देती है। विक्की इस पर कहते हैं कि उन्हें शो से बाहर निकाल देना चाहिए। वो कहते हैं कि बिग बॉस अंकिता मेरे साथ फिजिकल हो रही है, इसे घर से बाहर निकालो। विक्की की बात सुनकर अंकिता उन पर कूद जाती है। हाल ही में अंकिता से पूछा भी गया था कि क्या वो अपने पार्टनर का फोन चेक करती है तो उन्होंने मना कर दिया था। इस पर विक्की कहते हैं कि अभी की बात हो रही है, करंट की, पास्ट की नहीं। इस पर अंकिता कहती है कि मैं पास्ट की बात तो कर भी नहीं रही हूं। मैं कभी विक्की का फोन नहीं देखती हूं, लेकिन विक्की मेरा फोन जरूर चेक करता है। विक्की को शक होता है कि पता नहीं मैं फोन पर क्या कर रही हूं। इस पर विक्की कहते हैं कि जहां जरूरत होती है वहीं देखता हूं। अंकिता कहती है कि नहीं, ये हमेशा फोन चेक करता है। वहीं अंकिता को जब विक्की कुछ दिन पहले चिढ़ा रहे थे तो अंकिता उन्हें पंगा लेने से मना कर देती है, लेकिन विक्की जब नहीं मानते तो बार बार उन्हें ताना मारते हैं। तो विक्की वो कहती है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है, तुझे लेकर मैं फैसला बाहर जाकर लूंगी, मैं बाली चली जाऊंगी। विक्की कहते हैं कि जल्दी फैसला ले लो, मैं भी बाली चला जाऊंगा। फिर